शुरू कर दे। अच्छा ओम, रुक जा बकरा ऊपर बकरा चढ़ रहा हूँ, बरखा के ऊपर बरखा, हाँ बरखा ऊपर बरखा। ओ पवित्रम पवित्रम तत्तूरा नीचे दही और ऊपर बूरा। पंडित जी अपने खाने का इंतजाम तो पहले ही करते हैं। जावातम पंडित कबू पीछे ना रहे, अगर 1 किलो घी दे दो ना है ना, कब जो श्यामगिरी और घी सिगई रात में जो अग्ञारी पे चढ़ाने हुए 250 ग्राम चढ़ाएंगे अग्ञारी पे, 1.25 किलो झोली में पंडित सब झोली में जा रहे है माल, समझ रही हूँ मैं। अब हमने अश्लोक बोल के बासकाई लल्ला निकाल ले 551 रुपया और 1 लिया धोती कुर्ता कपड़ा, खुशी में खुशी में। अच्छा तो पैंचो लड़का ढाक बाबा की मेहमान है, पैंचो लड़का बहु है, बाने 1051 रुपया लिखा के दे दे। अच्छा और मोसे बोलो पंडित जी चलो तुम्हें जुना में फरवा देंगे तुम्हारे लिए, तो कुर्ता कपड़ा खाना तो पहले कुर्ता का कपड़ा कह दे करो ये बड्डे को। तो देख जा से तो कहता सोवर और सत्सोवर सत्सोवर जो लौड़िया हिलक के मत जा। ए पंडित जी कैसे मर जाए, अब लौड़ियो तो कहीं मर और मैं बाके घर पे जाता हूँ कह दी लल्ला लइए 20 रुपया दक्षिणा के, तो 20 दे को जूता और पतरिया तक गद्दावे को सारे मेरे घर मौत आ गई तो दक्षिणा ही पड़ रही है। तो ऐसी जगह मत जाइयो पंडित जी, जाने मत फंस जाओ कहूँ तो जा ही सके था सबसे। चलो हमारे महाराज ने आपके लिए बहुत जल्दी याद किया है राजा लल नरेश नरवर वाले। सवारी फवारी लाइए का पैदल ही आई, सवारी ना लाई जल्दी में ऐसी भागी चली आई। तो तू अपनो काम कर बिना सवारी के, तो ये पंडित मूर्तन तक ना लाते। अच्छा 500 तो ट्रक चल रहे हैं तुम्हारे, 300 रोडवेज, रोडवेज भी है कच फ्री व्हीलर। अच्छा थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर हाँ, 300 ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी है, सवारी बहुत तेरी है मगर पहिया ही कहूँ मैं। तो वो चलती कैसे, समझ रहे वाले सब समझ रहे होंगे पंडित जी पे, मुझे मालूम पड़ रहा है पंडित जी के पास सवारी नहीं है। ठीक है तो बता ना पंडित जी ना जा रहे, अरे एक सवाल कमाई नहीं खाई है ना, तो मैं कमाई खाओ ना गऊ के जाए पे बैठो। तुम्हारे खेत में हर बैल कभी नहीं चला है, सबसे पहले तो कमाई खा दो ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर सरकार ने बहुत तेरे लंबे चौड़े चला दे। अच्छा कोई फोर फोर्ड, हाँ फोर्ड, और कोई महिंद्रा, हाँ कोई स्वराज, हाँ कोई स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ट्रैक्टर नहीं होता है हमें मोटरसाइकिल होते हैं, और कोई आई सर, आई सर। और ये मदारपुर के रहने वाले हमारे भैया वेदपाल, ये मेरे वास्ते 20 रुपया दे रहे हैं दूध पीने के लिए। जोग जोग जीवे भैया त्यारी चिल्दे गान, जोग जोग जीवे भैया त्यारी चिल्दे गान, बढ़ जाओ झंडा लहर रे लहर लहराए, आप बैलगाड़ी में नहीं जाओगे, अपनो काम कर मेरो कल्ली कोनो है क्या हो, मैंने पंडितानी को कछु ना दिखाओ। आची घर आंगन चूचामर, तो पहले घर आंगन बोला करो। ठीक है एक सवारी और मैं और बताती हूँ, अरे बढ़िया साई की ऊँटे मंगाए दो, अरे बढ़िया साई की ऊँटे मंगाए दो, उस पे बैठ के चलियो कनाए, और काठ का ठीलरी है चचा बैठो, काठ का ठीलरी लपो छोड़ो।
सवारी से तो भीत पे बैठ ले। क्यों भैया? जब सास को चंतना ऐसा करके बारे मचका लेके जो मालिम पत्ते ढक्का से लगा रहा हुआ ऐसा करके पेट में मिर्च को भी जो एक ना छोड़ो तू। अच्छा नन्ने नन्ने बबून बाज परो तो कौन टुपिया हो कौन पंडित जी। आप इसमें भी नहीं जाओगे तो एक लास्ट सवारी है मेरे पास और उससे बहुत जल्दी चलना। सवारी तो जहाँ पे है सामने वाले मैं बता रही हूँ। अरे पतली कमर ये क्या कर रहे हो पंडित जी तुम? तू क्या कर रही है? मैं तो अपनी जवानी की अंगड़ाइयां ले रही हूँ। मैं सासुके को बुढ़ापे इकट्ठो कर रहा हूँ। तुम्हारा बुढ़ापा क्या करता है? तेरी जवानी क्या करते है? मेरी जवानी रड़ुअन के चूल्हे में आग। मेरो बुढ़ापो रड़ुअन के चूल्हे में पानी। अरे पतली कमरी तो अगर आप नहीं मानते हो तो केवल खाली पत्र ले चलूंगी। पत्र ले लो। ठीक है बहुत जल्दी चलिए। अरे लंबो तिलक लगाए ब्राह्मण है बाती लटकनी धोती। सोवर फोवर दक्षिणा देगी खून पानी से निचू ना मैया मेरी कुछ कमी ना है मुझे माफ कर दो। चलो पता है ठाकुर जी पे कौन जल चढ़ा ले इन्हें गंगा जी में सिराया ही हो दूसरी ले लियो गंगा नानी पर रही तेरी ना। ठीक है आप यही खड़ी रहो मैं महाराज को बुला के लाती हूँ। और ये 50 रुपए का पुरस्कार रामनिवास और 50 रुपए का पुरस्कार टीटू ये दोनों ने 100 रुपया मेरे वास्ते दूध पीने के लिए दे रहे हैं और 20 रुपए का पुरस्कार मदारपुर के रहने वाले वेदपाल ये 20 रुपया दे रहे हैं। चढ़ जाइयो चो खट्टा भैया मलिया मलिया केर के और फुल्ली लग जाइयो सुवर्ण दादा कार पहले तो आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटे चिरंजीव रहो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा पूछो। आप मेरे माता पिताओं के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए थे क्या? गए भैया झूठ के बोले गए गए अरे तुम गए गए ब्राह्मण में पूछो तो हो रे तो अरे हो मेरी मैया को पीते अरे अभी तक देखने को मिली है बुरे हद मोर
से छोड़ी गंगा वो जनमन हारी अरे जी कहानी क्या बता दूं गंगा की कहानी सुनते ही आंखों में भर लाओगे पानी ऐसी बात का है बहुत जुलम हो गया महाराज क्या तुम्हारी माँ 12 साल की आपत्ति काट के दोस्तों आज औखा काट करके उस नरवर में आई तुम्हारे पिताजी ने उनके लिए डौड़ी पर रोक लिया था किरानी मंजा 12 साल से मैंने पेट भर भोजन नहीं खाया है आज अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाओ तब महलों के लिए जाना फिर क्या हुआ तुम्हारी माँ ने सपा इनकार कर दिया कि महाराज मेरा गांठ जल्लादों ने छुआ है मैंने नीच कर पानी पिया है मैं तुम्हें इन हाथों से कैसे भोजन खिला दूंगी कैसे खिलाओगी निर्मल करूंगी चोला जल्दी से सजवा दो घाट गंगा को डोला मैं जाकर के गंगा में गोता लगाऊंगी 200 से उद्धार होकर के लौट के नरवर में भोजन खिलाऊंगी ऐसी मन की मौज एकदम चित्त में आके प्रथम ने कटीली सजवा दी बातों बातों में ही लगाए फेरा जाते जाते गंगा पे ऐसे लगा दिए रावटी डेरा तुम्हारे पिता ने हमारे लिए बुलवाया पंडित जी शुभ परब तरने वाला है वो कै बजे का है महाराज मैंने पत्रा को खोल के गिरह को काट करके मैंने बताया जो 4 बजे गंगा नहाएगा वो तर पैकुंठ धाम को जाएगा तुम्हारे पिता ने मंत्री को बुलवाया इस बात का डंका लगवाया कि सबसे पहले रानी मंजा नहाएगी उसके बाद जग संस्थान नहाएगा मंजा से पहले नहाएगा 20,000 रुपए जुर्माने की और नरवर की सजा पाएगा मना दी पीटता हुआ चपरासी गंगा की पार पार चला गया महाराज कोट कपिल का फूल सिंह पंजाबी दिल को लड़ते जिन रात को सब लड़ती थी काली मार मार के सैकड़ों गढ़ कर दिए काली हल्ला फैलो 14 जोश नर और नारी मन मन डरते पंजाबी को नाम हो लाख कोस उसकी बेटी संग सरवती आई कहने लगी पिताजी ये किस बात का डंका लग रहा है तो पंजाबी ने उसे हिंदी में समझा दिया क्या कि रानी मंजा पतिव्रता स्त्री वो 200 से उद्धार होने के लिए आई है सबसे पहले रानी मंजा नहाएगी उसके बाद जग संसार नहाएगा मंजा से पहले नहाएगा 20,000 रुपया दे के जाएगा नरवर की सजा फिर क्या तलवार बजी गंगा पे दशार्द मोए बतैया रे मोए माल महे जय गंगा की मेरे दिल को धीर बंद ही हो रे कैसो नहानो ब्राह्मण आके बताई ना कोई बात जब ते हाल सुने हे मैया के कहते कल है रे गद्दी पे महाराज सरवती ने उस डंका के लिए बंद करा दिया कि मेरे नाम का डंका बजाओ सबसे पहले बेटी सरवती नहाएगी उसके बाद जग संस्थान नहाएगा सरवती से पहले नहाएगा 50,000 रुपया जुर्माने के कोर्ट कंपनी की सजा पाएगा तुम्हारी माँ
जल में पहले गोता लगा ना पाई, सरवती ने जादू के जोर से जल ही जल में चुराई। तुम्हारे पिता ने धीमर बुलाए, जान डलवाए, गोता खोर बुलाए, मगर तुम्हारी माता जी का पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने डेरा को ले गई थी। फिर क्या हुआ? जब डेरा में जाते जाते उसे मानस बना लिया, पंजाबी को देखते हुए तुम्हारी माँ किल्ली मार के रो गई थी। फिर रोने की आवाज तुम्हारे पिता के कान में आई, लेकर के फौजे प्रथम ने करी चढ़ाई। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर बातन बातन, अरे राजन बतन बड़ी दो, और बातन में पड़ गई रात, जादू से बिसारी हाथ में आए तई डंड बांध ले, बाबेरी पंजाबी ने अवची। रोवत मैया तुम्हारी गई ही गणगंगा, तरीका से तेगा बजाया था। क्या? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चार लता हिली तलवार मार मार के राजा फिर पवन बचवा। मारते दौड़ते काटते हुए तुम्हारे पिताजी उस पंजाबी को और वो दौड़े लेकर के, तो पंजाबी गंगा जी से अपनी बेटी के पास को भाग लिया। फिर भाजते भाजते अपनी बेटी के पास पहुंचा का, बेटी तेने सब फौजे मेरी कटवा डाली मरवा डाली, अब तेरी जादू कौन से बाहर में चली गई, तमाम मेरा नाश करा दिया। राजा प्रथम मुझे मारने के लिए तेगा लेकर के भागते हुए आ रहा, मुझे बचा कैसे बचाएगी? तो जादू चलाए तो सरवतिया ने उनको ऊपर को तेगा ऊपर जन आतल मैया बबुला की बात जारी जन्म। और मेरे पिता के साथ जो बॉय थी वो सब कहाँ है? ऐसे लगायो नजरा जादू चला के भोजन सरवती ने सब कटा लिया पथरा, और कैसे बच गए? जैसे जादू चलनो शुरू भाव में तो लुटिया में जल लगा गंगा पल्ली पार जंगल फिर चलोगो जंगल फिर पे जा। अरे नीच,
अपनी निष्ठाई को नहीं छोड़ा। मैंने क्या करता हूं? तू तो उनमें का ब्राह्मण है, जा ब्राह्मण की पीठ से बफा न पावे कोई। एक समय राजा हरिचंद दिए छनक में खोई, हरिपद छनक दुलारी हनुमान चढ़े करी लंका की उखवारी। मौत का यही संबंध सौ सौ के समय खा जाए तो न माने जो कोम को घटिया ब्राह्मण। जो तो कर दई पल्लो की सब बात, झगड़ो बढ़ाओ तुमने गण गंगा पे। सुन ब्राह्मण तो सो जगत दुनिया में कोई नाय मात जे लनो फसवाए थे। सर्वतिया को सुन ब्राह्मण नरवर की लगावती सेज। अरे आजार राजा ललकी रे माफ कर दे। माफ कर ले, मोह छोड़ दे भैया, छोड़ दे। डर के माल कर रही है, छोड़ दे भैया, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। त्यार लो कोई बचवैया होए बोलाय। अरे मारे जाओगे सेलन पर में बेरी तर दई चुलमती बार जल बचाते आज फांसी लगवाए तुमको रे। मैंने गलती कर दी तो मुझे तो मरवा डाल, चाह फांसी पे चढ़वा दे। मेरे बाल कन्नो मेरे बाल कन्नो को छोड़ रही है। क्यों? छोटे छोटे ऐसा तैसा तीन बालक पैदा करे जो तुम मरवा देगो मेरे बीज मिट जाएगा। कितने छोटे? काम ला के कहना है तो गुट्टन कड़कता है खटिया पकड़ के ठाड़ू है ले तू है। तो ज्यादा ही छोटे, ये क्षत्रियों का काम नहीं होता। तेरे बच्चों से तो मैंने बोलूंगा तेरा तेरो